नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। पाकिस्तान में हमलावरों ने 14 लोगों को बस से उतारकर गोली मारकर कर दी हत्या। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मारकन हाईवे पर गुरुवार को अज्ञात हमलावरों ने 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया है कि लोगों को बस से जबरन उतारकर पहचान पत्र देखने के बाद हमलावरों ने गोली मार दी है। गौरतलब है कि घटना के पीछे कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और हमलावरों की पहचान भी नहीं हो पाई है। महिला आयोग ने पंजाब डीजीपी को लिखा खत, रेप के मामले में कार्रवाई को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक युवती की रेप की शिकायत दर्ज न कराने के दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक व प्रस्तुत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल मोहाली पंजाब में रेप की शिकायत लिखवाने के लिए युवती को एक थाने से दूसरे थाने भेजने की खबरों पर आयोग ने पत्र लिखा है। यूपी, नशे में शख्स ने शादी समारोह में बच्चे का अपहरण कर किया रेप, हुआ अरेस्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश के पुलिस ने एक शख्स को नशे की हालत में शादी समारोह से बच्चे का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे और बाइक विवाह स्थल से 2 किलोमीटर दूर छोड़कर आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद बाइक के नंबर के जरिए पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर निकाला है। कठुआ गैंग रेप के केस पीड़ित परिवार के साथ की गई 10 लाख की धोखाधड़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंग रेप और मर्डर के केस में मृतक बच्ची के जैविक पिता और गोद लेने वाले पिता के जॉइंट बैंक अकाउंट से एक शख्स ने धोखाधड़ी कर 10 लाख से अधिक राशि निकाल ली है। हालांकि बच्ची को गोद लेने वाले पिता ने बताया है कि आरोपी ने आधे पैसे लौटा दिए हैं और करीब 5 लाख से ज्यादा अभी तक उसके पास है। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक की हत्या में शामिल 2 नक्सलियों को किया गया ढेर। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कथित तौर पर बीजेपी विधायक भीमा मांडवी की हत्या में शामिल 2 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ के एक नक्सली घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से 2 दिन पहले विधायक और 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। पुर्तगाल में हुए बस हादसे में 29 लोग की मौत, करीब 26 घायल। स्थानीय जानकारी के मुताबिक पुर्तगाल के मदोहरा में हुए एक बस हादसे में करीब 29 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अधिकतर जर्मनी के पर्यटक हैं। हादसे में करीब 26 लोग के घायल होने की खबर मिली है। बतौर रिपोर्ट्स की खबरें 55 लोग को ले जा रही बस सड़क के नीचे ढलान पर बड़े मकान से जा टकराई थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।